वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉक शो में एक और सफलता की कहानी के साथ मैं गुरकीरत कौर हाजिर हूँ। आज ये कहानी थोड़ी सी यूनिक है। ये कहानी है भूपेंद्र की, जो कि अलीगढ़ के निवासी है। खास बात ये है कि इन्होंने भी एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, साथ ही साथ में इंडियन नेवी का एग्जाम, तीनों ही एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और अब भूपेंद्र सिंह फाइनली इंडियन नेवी के तहत अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं प्रेप के एंड में। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इनके बारे में कि भूपेंद्र बेसिकली हमारे यूट्यूब स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, और साथ ही साथ में गर्व का मौका है कि हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं उनको देख के इनको इतना इंस्पिरेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि आज ये सफलता के शिखर पर है। वेलकम भूपेंद्र इस टॉक शो पे। थैंक यू मैम। सो भूपेंद्र, सक्सेसफुल हो गए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको सिलेक्टेड होके और फाइनली आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हैं और साथ ही साथ परिवार की जिम्मेदारियां अब आप संभालने के लायक हो चुके हैं, तो क्या फीलिंग है अभी इस समय आपकी? मैम, मैं सबसे पहले तो एकेडमी के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं रह रहा था, जब मैंने 12th किया तो मेरे पास एकेडमी जाने का मतलब ना सोर्स था ना कुछ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो मैं सेंट्रल डिफेंस एकेडमी के वीडियो देखता रहता था। वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला कि सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने 12th पास किया था तो उसी में एनसीईआरटी पढ़ा था। तो जैसा वीडियो में मोटिवेशन बताया जाता था, सब लोग अपने बारे में बताते थे, तो वो एक बेसिक था सबके बारे में, हम भी कॉमन था। तो मैंने कहा हम भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि हम कर सकते हैं। और मेरा फाइनल सबसे पहले एनडीए में हुआ था, लेकिन मैं एसएसबी क्लियर ना कर पाने की वजह से आज नेवी में फाइनल हुआ है। अच्छा, तो घर पे मदर फादर कैसे हैं? खुश हो रहे होंगे सब आपकी सफलता पे? जी मैम, सभी खुश हैं अभी तो, हाल फिलहाल में सबको अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। ओके, सो भूपेंद्र, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार जो बच्चे हैं अपना तैयारी के दौरान एक आत्मविश्वास है वो खो देते हैं, कभी उनको लगता है कि एग्जाम थोड़ा टफ है, हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, हमसे इंग्लिश में नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बेसिकली जो जूनियर्स हैं जो एस्पायर करते हैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, आपने एक साथ तीन तीन एग्जाम क्वालिफाई किए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने ये कर दिखाया? कुछ अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटजी जरा शेयर करें इनके साथ में, और क्या मोटिवेट करता रहा आपको कि आप इतनी दूर तक बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहे हमेशा? जी मैम, हमें मैम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि मैंने देखा है, हमें जीएस का सोर्स जो होता है सेकंड पेपर में एनडी वाले में, हम हिंदी मीडियम अच्छा कर लेते हैं, अदर जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वाले रह जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, ना कि डिफेंस में ये है कि इस बार नहीं हुआ या पॉइंट की वजह से रह गए या मेडिकल की वजह से रह गए तो अगली बार नहीं होगा। हमें लगे रहना चाहिए, लगता है इस बार कुछ कमी आ रही होंगी, अगली बार हो सकता है शायद, तो डरना नहीं है और हो ही जाता है। अच्छा, तो बेसिकली आपने कौन कौन से चैप्टर्स बढ़िया से, अगर मैथ्स की बात करें, तैयार कर लिए थे कि जिससे आपने मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स अगर चाहे हम एफओस की बात करें, हम आपके हिंदी की बात करें, नेवी की बात करें, सेम होता है, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी तीनों एग्जाम के लिए? जी मैम, मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाता था, और जो क्वेश्चन मेरे से आते थे, क्योंकि 120 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आते हैं, तो मुझे लगता था कि टोटल 120 में 120 नहीं करना है, अगर इतना अच्छा रैंक नहीं है, मायने ये रखता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जी, वो मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे, मैं उन्हें सबसे ज्यादा अहमियत देता था और उनको बार बार रिकॉल करता था, क्योंकि ये छूटना नहीं है, आगे किसी पे फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि हमें डिफेंस में ये मौका है कि ज्यादा ना करके कम किया जाए तब भी हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है। जी, ओके। सो फेस टू के जो फिजिकल का पोर्शन होता है, इसके लिए क्या खास तैयारी करी थी आपने, और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या रूटीन रहती थी आपकी डेली? जी मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहला मेरा रूटीन था रिटन एग्जाम क्लियर करना। जब मेरा एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ मैं एयरफोर्स भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की, रनिंग वगैरह कुछ ज्यादा भी नहीं हमारा डिफेंस में ऐसा कुछ, और हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा पोर्शन, वो हमें होना चाहिए कि किसी तरह रिटन निकलना चाहिए। रिटन के बाद जो हमारा फेज टू है वो आराम से इजिली हो ही जाता है। ओके, सो आप कुछ ऐसी टिप्स जो शेयर करना चाहेंगे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स से उनके एग्जाम को लेके, स्पेशली इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाए? जी मैम,
इंग्लिश को लेके मैम मैं काफी प्रॉब्लम में रहता था, क्योंकि इंग्लिश सर जो हम यूपी बोर्ड से होते हैं, हमें दिक्कत हर एक कैंडिडेट को होती ही है। तो मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाता था, प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ मिरर में रोज का बोलना, 10-5 मिनट बोलना, द हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे में कॉन्फिडेंस गेन होता है जी। और कॉन्फिडेंस गेन होने से हमें ये होता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं। ये नहीं है कि हमें इंग्लिश में, अगर हमारा इंग्लिश पोर्शन कमजोर है तो घबराना है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एयरफोर्स वाले बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि एयरफोर्स में फेज टू में बहुत ही कम समय मिलता है, वहाँ पे आराम से कुछ टॉपिक को रिकॉल करके आराम से हो ही जाता है। लेकिन अगर जी बताइए, अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो एनडीए के सेकंड पेपर में जीएस वाले पोर्शन, वो पेपर क्या होता है कि जिसका मैथ अच्छा होता है वो एनडीए में जरूर फॉर्म भरता है, और वहां पे क्या होता है कि हमें सबकी स्ट्रेटेजी अलग जलना होता है। तो मैं जीएस में हमेशा ज्यादा बेस्ट पेपर करता था और जीएस वाला पोर्शन मेरा मजबूत भी था, तो मैं जीएस में। जी मैम। जी तो सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे कौन सी वीडियोस आप देखते थे जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था? बिकॉज मुझे जब आपका एक मैसेज हमारी टीम की तरफ से फॉरवर्ड हुआ, आपने थैंक्स बोला हमारी टीम को, स्पेशली हमारे टीम मेंबर ने हमें बताया, तो ऐसा क्या प्रभावित किया आपको कि आप हमसे जुड़े रही हैं, और कौन से वीडियोस थे जो काफी आपको इंस्पायर थी, कुछ बताएं। जी मैम, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स ने ये कहा कि तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है, मैथ अच्छा है, तुम डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिफेंस को ज्वाइन करने का सोचा भी, लेकिन मैं किसी से कहता नहीं था कि शायद डिफेंस लोग हार्ड टफ बताते हैं कि शायद होता नहीं हर किसी से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो मॉक इंटरव्यू वाली वीडियो आती थी, मैं उन सबको देखता था, सबके बारे में सुनता था, तो सब यही बताते थे। लगता था उन लोगों को देख के एनर्जी आती थी कि इनके भी दो हाथ पैर हैं, हमारा भी दो हाथ पैर हैं, हम भी कर सकते हैं आराम से। और जो वो टॉपिक भी बताते थे कि मैंने इस टॉपिक को ऐसे किया, इस तरह पेपर को किया, मैंने वही स्ट्रेटजी लगाई और अपना कुछ गेन किया, यानी कि इंग्लिश को छोड़ के जीएस पेपर पे ज़्यादा फोकस करने के बाद, क्योंकि वहाँ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा करने की कोशिश की और फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। क्या स्ट्रगल्स रहे हैं आपके आपके इस प्रिपरेशन के दौरान? हर एक व्यक्ति के अपने ही स्ट्रगल्स होते हैं, अपने ही फेलियर्स होते हैं, चाहे परिवार से रिलेटेड आप कह लें, चाहे कुछ दूसरी परिस्थितियां कह लें, ऐसे कौन से स्ट्रगल्स हैं आपकी जिंदगी में जिनको आज आपने हरा दिया है फाइनली और सफलता के शिखर पर है? जी मैम, मैं सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, किसी से नहीं होता, ये है वो है, मतलब तमाम बातें आती थी मेरे सामने। तो मैं सोचता था बार बार कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। लेकिन मैं सबसे ये कहता था कि मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, नेवी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ। मैं चुपचाप अपना एयरफोर्स का सिलेबस लेके घूमता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये लगता था कि जब वो लोग एनडीए निकाल सकते हैं, हमारा भी जीएस ठीक है, हमारा भी मैथ ठीक है, हम क्यों नहीं निकाल सकते। तो मैं उन बुक्स को पढ़ता रहता था और जो फ्रेंड्स होते थे उनसे शेयर करता रहता था बहुत ज़्यादा। और जो मैंने रूम साझा किया था वो ऐसे लोग थे, बेहद ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले थे, तो उनके साथ जब साझा करने के साथ साथ धीमे धीमे मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ और वो मैंने उपलब्धि पाई। ओके, वेरी वेल। सो भूपेंद्र, जो अभी आपको एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जिनका ये सपना है कि वो फ्यूचर में अपना डिफेंस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी मैम, मैं सभी यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगा कि जिनका भी मन होता है कि हमें डिफेंस में जाना चाहिए, खासकर उन लोगों से जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया हुआ है, उनको बेहतर मौका है डिफेंस में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी नहीं है और कम क्वेश्चन करने पे भी आपको एक जॉब, शानदार जॉब मिलता है। तो उनको बेहतर मौका है एक छोटी सी उम्र में नौकरी पाने का, और ना ही ज़्यादा कंपटीशन, ना ही फिजिकल हार्ड है, ना कुछ, सिर्फ बेहतर है अपने आप को संभालना। ओके, वेरी वेल। एंड साथ ही साथ में कुछ, जैसे कि आपने इंडियन नेवी का मेडिकल भी फेस कर लिया है, कुछ हमें उसके बारे में भी बताएं कि इंडियन नेवी के मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं और किस हिसाब से आपकी मेडिकल टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बता दीजिए। जी मैम, सबसे पहले सभी को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करने के बाद जैसा उन्होंने, जैसे वन बाय वन स्टेप होता है, ईसीजी वगैरह तमाम पॉइंट चेक करने के बाद सभी को अलग बिठाया जाता है। रनिंग होने के बाद
मेडिकल मेडिकल वहाँ पे सभी को रिकमेंडेड कर लिया जाता है। अच्छा, तो मेडिकल में कौन कौन सी टेस्ट रहे आपके? आईज टेस्ट और फुट वगैरह, लेग्स वगैरह, गर्दन, नेक, एंगल, हैंड एंगल, सभी तरह के एंगल को चेक कर लिए जाते हैं। ओके ओके फाइन। और आपका फेस टू जो फिजिकल का था, PFT, ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? चिल्का, INS चिल्का में बेसिकली आपको कराया गया था। ओके फाइन। सो भूपेंद्र, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और आपकी इस जर्नी के बारे में जान के। टीम सिंचुरियन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग करियर जर्नी के लिए, और साथ ही साथ में आप फेब के एंड में जा रहे हैं ज्वाइन करना अपनी ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए भी आपको वेरी वार्म विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक इंस्पिरेशन का सोर्स है सभी व्यूअर्स के लिए, कैसे यदि आप सेल्फ स्टडी करें और साथ ही साथ में एक राइट गाइडेंस को फॉलो करते करते अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करें तो डेफिनेटली सफलता कहीं नहीं जाती। थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग भूपेंद्र। जय हिंद। जय हिंद। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।